देहरादून में शासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई से नाराज दुकान के मालिकों ने शासन के विरुद्ध अपना विरोध जताया। राजधानी देहरादून में मुख्य मार्ग बैनी बाजार चौक पर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया। अपनी दुकानों पर बुलडोजर चलता देख कई लोग नाराज हो गए और शासन के खिलाफ विरोध जताने लगे। कार्रवाई को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि सैकड़ों साल पुराने दस्तावेज मौजूद होने के बावजूद ये कार्रवाई की गई है, जो कि गलत है। मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर इसी तरीके से स्मार्ट सिटी का काम चलेगा तो कम से कम देहरादून का बेड़ा गर्क होना तय है। जिस तरीके से इन्होंने आज ये शुरुआत की, इसके लिए मुझे अफसोस है। और आगे मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहूँगा कि जो हमारी जमीन गई है उसको इसमें हमें अधिग्रहण में करें, ना अतिक्रमण में ना करके इसे अधिग्रहण में तब्दील करें। कुछ नहीं कर सकते और मैं बहुत लड़ ली, क्योंकि मेरे शोहर का भी कोई भाई नहीं था, वो अकेले थे अपने फादर के, दोनों एक्सपायर हो गए। बोलो तो मैं बहुत थक गई हूँ लड़ते लड़ते। तो मैं चाहती हूँ प्रशासन से जहाँ मेरा इतना साथ दिया थोड़ा सा और साथ दे कि वो आदमी जो है खुली रिश्ते वाली प्रॉपर्टी में अपना जबरन कब्जा ना करे और हमें परेशान ना करे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।